सो चैन हम लोग आ चुके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एंड आज आप लोग कुछ इस तरीके से फोटो एडिटिंग सीवी फोटो एडिटिंग बनाना सिखाएंगे। तो अभी तक आप वीडियो को फिर लाइक कर दीजिएगा एंड बिफोर फोटो कुछ इस तरीके से एंड आफ्टर। सो गाइज सबसे पहले आप लोग को स्नैपशीट ओपन कर लेना होगा। सो गाइज ओपन करना सिंपली आप लोग को प्लस आइकन पर चले जाना होगा एंड आप लोग को यहाँ से देखिए ओपन डिवाइस, ठीक है। तो सिंपली आप लोग ओपन डिवाइस पर क्लिक कर लीजिएगा एंड ओरिजिनल फोटो को सेलेक्ट कर लेना होगा। सो गाइज ओरिजिनल फोटो को सेलेक्ट करने बाद सिंपली आप लोग को टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा एंड टूल्स वाले आइकन पे आने बाद सिंपली आप लोग को डिटेल्स पे क्लिक कर देना होगा एंड इसका स्ट्रक्चर हल्का सा माइनस कर लीजिएगा। तो -49 एंड यहाँ से शार्पनिंग को कुछ इस तरीके से 28 प्लस करके यहाँ से आप लोग को डन कर लेना है। डन करना फिर से आप लोग को टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा। टूल्स वाले आइकन पे आने बाद सिंपली आप लोग यहाँ पे देखिए कर्व सिलेक्शन होगा, ठीक है। कर्व सिलेक्शन पे क्लिक कर लीजिएगा एंड यहाँ से आप लोग को ना डार्कन पे क्लिक कर देना होगा एंड डार्कन पे क्लिक करना सिंपली आप लोग देखिए सर्कल वाले ऑप्शन पे चले जाइएगा, ब्लू टोन पे क्लिक कर लीजिएगा एंड ब्लू टोन पे क्लिक करना सिंपली कुछ इस तरीके से ऊपर नहीं, ठीक है, एंड नीचे भी नहीं, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरीके से बीच में आप लोग को अप्लाई कर लेना होगा। सो भाई लोग जैसे हम अप्लाई किए हैं तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ गया है। तो यहाँ से हम लोग को डन कर लेना होगा। डन करना सिंपली देखिए शेयर के बगल में एरो का निशान होगा, उस पर आ जाइएगा एंड यहाँ कर्व वाले ऑप्शन पे ब्रश वाले आइकन पे चले जाइएगा एंड कुछ इस तरीके से आप लोग को पेंट करना है, ठीक है, कपड़े के ऊपर एंड बैकग्राउंड के ऊपर पेंट कर लेना होगा। तो यहाँ से देखिए कितना अच्छे तरीके से हम पेंट कर रहे हैं, सेम इसी तरीके से आप लोग को पेंट कर लेना होगा एंड बारीकी से पेंट कीजिएगा ताकि आप लोग को पता नहीं लगे, ठीक है। फेस के ऊपर आता है, अगर मान लीजिए गलती से फेस के ऊपर आ गया तो यहाँ से आप लोग जीरो करके एंड आप लोग अपने फेस के ऊपर से रिमूव कर लीजिएगा। तो वीडियो को मैं फास्ट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आता है, आर्टिस्ट भाई स्लो मोशन में समझाओ एंड अच्छे से समझाओ, इसके लिए वीडियो जो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए, तभी आप लोग को समझ में आएगा एक एक स्टेप के बारे में। तो कुछ इस तरीके से जल्दी से फटाफट मैं अप्लाई कर लेता हूँ एंड यहाँ से आप लोग को भी अप्लाई कर लेना होगा एंड फेस के ऊपर भी अप्लाई करके यहाँ से हम लोग जीरो कर लेंगे। जीरो करना कुछ इस तरीके से फोटो को जूम करके एंड उसके बाद आप लोग अपने फेस के ऊपर से रिमूव कीजिएगा एंड आप लोग अपने हेयर के ऊपर से रिमूव कीजिएगा। तो बहुत ही ज़्यादा औसम तरीके से लुक आप लोग के फोटो में आने वाला है। तो यहाँ देख लीजिए कितना धांसू लग रहा है हम लोग का फोटो, ठीक है दोस्तों। इतना करना सिंपली आप लोग अपने हेयर के ऊपर से रिमूव कर लीजिएगा, जैसे मैं रिमूव कर रहा हूँ सेम इसी तरीके से आप लोग को भी करना होगा एंड यहाँ पे हाथ है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम अच्छे से अप्लाई कर लिए एंड यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा पैंट के ऊपर आ गया है, तो इसको हम लोग मैनेज कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। इतना करना सिंपली यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो इसको भी इरेज करके यहाँ से हम लोग डन कर लेते हैं। डन करना सिंपली हम लोग बैक आ जाएंगे, देखिए आपको दिखाते बिफोर एंड आफ्टर। इतना करना फिर से आप लोग को टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा। सो भाई लोग टूल्स वाले आइकन पे आना, सिंपली आप लोग को टोटल कंट्रास्ट पे क्लिक करके इसका हाई टोन जीरो कर लीजिएगा एंड मिडियम टोन को भी जीरो कर देना हो, मिड टोन, ठीक है। लो टोन्स को भी 100+ एंड प्रोटेक्ट हाईलाइट्स को भी 100+, ठीक है। एंड यहाँ से प्रोटेक्ट शैडो है इसको भी 100+ कर लेना होगा। इतना करना सिंपली यहाँ से आप लोग डन कर लीजिएगा। डन करना देखिए आपको दिखाते बिफोर एंड आफ्टर। इतना करना सिंपली एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे आ करके एंड आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा गैलरी में। हाँ तो गाइस फोटो सेव करना सिंपली आप लोग को लाइट रूम एप्लीकेशन ओपन कर लेना होगा एंड यहाँ पे ऑल फोटोज होगा, ठीक है। प्लस वाले आइकन पे चले जाइएगा एंड यहाँ पे देखिए 4 कैमरा रोल एंड यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने बाद जो भी आप लोग का फोटो सेव हुआ होगा गैलरी में, ठीक है, तो सिंपली आप लोग को यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा एंड यहाँ पे देख लीजिए रिसेंट एड है, तो रिसेंट एड वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, फिर से रिसेंट पे क्लिक कर देंगे एंड सेल्फीज है, ठीक है। तो फोटो आप लोग का आ जाएगा एंड यहाँ पे देखिए स्नैपशीट से हम लोग फोटो को शेयर किए हैं, तो स्नैपशीट से हम लोग को ऐड कर लेना होगा फोटो को। सो भाई लोग ऐड करना सिंपली आप लोग फोटो पे क्लिक कर लीजिएगा एंड यहाँ से प्रीसेट वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये वाला प्रीसेट अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो ये डाटा से चलेगा, मैं आप लोग को बताऊंगा। सिंपली आप लोग लाइट वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा। सो भाई लोग लाइट वाले ऑप्शन पे आने बाद सिंपली आप लोग को ब्लेस को हल्का से बढ़ा लेना होगा, ठीक है, एंड वाइट्स को भी हल्का से बढ़ा लेंगे एंड शेडो को भी हल्का से बढ़ा लेंगे। फिर से आप लोग कलर वाले ऑप्शन पे आ करके मिक्स पे क्लिक कर लीजिएगा एंड ग्रीन टोन पे क्लिक करके इसका सिचुएशन कुछ इस तरीके से +25 येलो टोन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसका हल्का सा सिचुएशन माइनस कर लेंगे एंड लिमिनस को हल्का से बढ़ा लेंगे। फिर से आप लोग इस ऑप्शन पे आ जाइएगा एंड इसका लिमिनस कुछ इस तरीके से बढ़ा लीजिएगा एंड सेचुरेशन को हल्का सा 24 माइनस करके इस ऑप्शन पे आ करके इसका है हल्का सा 58 माइनस करके यहाँ से आप लोग डन कर लीजिएगा। डन करना फिर से आप लोग को डिटेल्स वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा एंड वाइड रिडक्शन को 100+ कर देंगे, डिटेल्स को 100+ एंड कंट्रास्ट को भी 100+ ही रखेंगे, ठीक है। इतना करना सिंपली आप लोग देखिए फोटो को दिखाते बिफोर एंड आफ्टर। इतना करना सिंपली इस फोटो को शेयर कर लीजिएगा आप लोग ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर। हाँ तो गाइज हम लोग शेयर कर चुके हैं ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर ओरिजिनल फोटो को। सो गाइज शेयर करने में सिंपली आप लोग को पेंसिल आइकन पे आ जाना होगा एंड ब्रश, ठीक है, ये वाला ब्रश यूज कीजिएगा स्मूथ सेकंड नंबर। सेटिंग देख लीजिए, फॉलो को 5 रखिएगा
एंड स्टैंड को 11 रखना होगा, साइज आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो हल्का सा हम साइज को कम कर लेते हैं एंड कुछ इस तरीके से। उसके बाद आप लोग अपने फेस के ऊपर स्मूथ कीजिएगा ब्रश को, यानी अप्लाई कीजिएगा। सो भाई लोग, जैसे आप लोग ब्रश को अप्लाई करेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग का फेस स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएगा और 1% भी ब्लैक ब्लैक भी नहीं आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, लाइव प्रूफ मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए ये वाला ब्लैक ब्लैक गाल के बगल में आ गया है, तो साइज को बढ़ा लेंगे कुछ इस तरीके से, फोटो को जूम कर लेंगे एंड उसके बाद आप लोग अच्छे से फेस को बनाएंगे तो बहुत ही धांसू तरीके से आप लोग का फेस स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड आप लोग करेंगे तभी होगा, ठीक है। एंड जल्दीबाजी में करेंगे तो नहीं होगा, स्लो मोशन में एंड हल्के हाथों से करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं हल्के हाथों से कर रहा हूँ, तो कितना गजब तरीके से हमारा फेस बन रहा है एंड स्मूथ भी हो रहा है, ठीक है। एंड आप देख लीजिए ब्लैक ब्लैक आ गया, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए कुछ इस तरीके से साइज आप लोग अपने हिसाब से करके अप्लाई कीजिएगा। सो भाई लोग, इतना करना सिंपली देख लीजिए, मैं पूरा फेस स्मूथ बता नहीं रहा हूँ। अपने YouTube चैनल पर बहुत सारा वीडियो मैं डाला हूँ फेस स्मूथ के बारे में, इसके लिए मैं यहाँ पे फेस स्मूथ ज़्यादा नहीं सिखा रहा हूँ। तो चलिए मैं आप लोग बताता हूँ बैकग्राउंड को, मैं जो थंबनेल में दिखाया था उस तरीके से मैं कैसे किया था, ठीक है। तो इस ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा गैलरी में। हाँ, तो गाइस फोटो सेव करना सिंपली देख लीजिए, ये आप लोग का ओरिजिनल फोटो है, ठीक है, जो मैं आप लोग को स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर कलरिंग करना बताया। इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आ जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ कलर वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। सिंपली आप लोग इस ऑप्शन पर आ जाइएगा, ठीक है, इरेजर पे क्लिक कर लीजिएगा एंड यहाँ पे बैकग्राउंड वाला ऑप्शन होगा। सो भाई लोग, बैकग्राउंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड आप लोग उसके बाद रिस्टोर वाला ब्रश को अप्लाई करेंगे, तो ये वाला जो सीबी एडिटिंग धांसू होने वाला है, ठीक है। देख लीजिए, आप लोग खुद ही देख लीजिए कितना ऑप्शन तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आता है तो सिंपली बहुत सारा मैं आप लोग को बता सकता हूँ, ठीक है। सिंपली लोग इफेक्ट वाला ऑप्शन पर आ जाएगा एंड कलर वाले ऑप्शन पर, कलराइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एंड यहाँ से आप लोग बहुत सारा कलर में आप लोग अपने फोटो को बना सकते हैं। आशा करते हैं मेरे चैनल पर जो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं एडिटेड वीडियो डालता हूं तब तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पूरा वीडियो आज करने के लिए थैंक यू सो मच मेरी जान। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बवाल तरीके से, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू।